आखिर आखिर क्या आप जानते हैं कि 1945 में जापान द्वारा प्रक्षेपित एक गुब्बारा बम ओरेगन में उतरा था, जिससे वहां काफी बड़ा विस्फोट यानी धमाका हुआ था। जी हाँ दोस्तों, और आखिर क्या आप जानते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कारों का आविष्कार नहीं हुआ था। जी हाँ दोस्तों, और आखिर क्या आप जानते हैं कि पीसा की झुकी हुई मीनार यह कभी भी सीधी नहीं होती थी। जी हाँ दोस्तों, नंबर वन, 1945 में जापान द्वारा प्रक्षेपित एक गुब्बारा बम ओरेगन में उतरा। यह एक महिला और पांच बच्चों पर गिरा, जिनकी विस्फोट होने से मौत हो गई और इससे उस देश में काफी हलचल मच गई और ये अमरीकी धरती पर द्वितीय विश्व युद्ध के ताहतों की संख्या थी। जी हाँ दोस्तों, नंबर टू, जॉनी एपलसीड एक वास्तविक व्यक्ति थे। उनका असली नाम जॉन चैपमैन था। उनका गृह नगर लेमिनस्टर मैसाचुसेट्स था। उनके नाम पर एक सड़क भी है। जी हाँ दोस्तों, हालांकि शहर के योजनाकारों ने फैसला किया कि उनके पौराणिक नाम जॉनी एपलसीड लेन का उपयोग करना अधिक दावेदमक होगा। नंबर थ्री, संयुक्त राज्य अमेरिका में कारों का आविष्कार नहीं हुआ था। जी हाँ दोस्तों, पहली कार वास्तव में 19वीं शताब्दी में बनाई गई थी, जब यूरोपीय इंजीनियर कॉल बेंज और एमिल लेवासोर ऑटोमोबाइल आविष्कारों पर काम कर रहे थे। बेंज ने 1886 में पहली ऑटोमोबाइल का पेटेंट कराया, यानी कि पहली कार का आविष्कार किया। नंबर फोर, एंड्रयू जैक्सन के पास एक पालतू तोता था। जी हाँ दोस्तों, और उसने अपने तोते पॉली को नाविक की तरह श्राप देना सिखाया था। एक किंवदंती यानी कि फॉरेनर यह भी है कि तोते को अपवित्रता की प्रवृत्ति के कारण जैक्सन के अंतिम संस्कार से बाहर ले जाना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, नंबर फाइव, पिसा की झुकी हुई मीनार कभी भी सीधी नहीं होती थी। जी हाँ दोस्तों, अपने 4 डिग्री झुकाव के लिए जाना जाने वाला इस इतालवी घंटाघर का निर्माण 12वीं शताब्दी में किया गया था। जब दूसरी मंजिल पर निर्माण शुरू हुआ तो टावर का निर्माण अस्थिर होने के कारण झुकना शुरू हो गया था, और जिसके वजह से पिसा की झुकी हुई मीनार कभी भी सीधी नहीं होती है और यह दुनिया में फेमस हो गई। थैंक यू।